नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आयाम। हम सभी जानते हैं कि भाषा एक मनोसामाजिक तत्व है और भाषा के सीखने और सिखाने मतलब कि अर्जन और शिक्षण में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक इसको प्रभावित करते हैं। शिक्षक होने के नाते हम इन पक्षों को जानें और समझें और उनसे प्रभावित सार्थक रूप से कैसे हों इस पे चर्चा करें। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य। मैं मिश्रा जी का इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि मिश्रा जी हमें बताएं कि कौन कौन से वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम या पक्ष हैं जो भाषा के शिक्षण को प्रभावित करते हैं। मिश्रा जी का स्वागत है। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आयाम विषय है और जैसा कि इस विषय से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाषा के तो मनोवैज्ञानिक आयाम समझ में आ रहा है, लेकिन इस कक्षा में और इस वार्ता में जिस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे वह है भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आयाम। मतलब लैंग्वेज टीचिंग का क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसका क्या साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, उसका डिसेक्शन, उसका विश्लेषण, उसका संश्लेषण करेंगे। हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं डॉक्टर साहब कि प्रत्येक बालक भाषा का एक सार्वभौमिक स्वरूप लेकर जन्म लेता है। आजकल हम इसे स्वीकार करने लगे हैं कि सार्वभौमिक स्वरूप जो है भाषा का, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ होता है। इनिटेस्ट थ्योरी जो हम बताती है, हाँ, जो बताती है। और जैसे हम देखने, सुनने, चलने और अन्य शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, ऐसे में दुनिया का प्रत्येक बच्चा 3 से 4 वर्ष की आयु तक अपने आसपास बोली जाने वाली लगभग सारी भाषाएं सीख लेता है। केवल 3 से 4, ये हम सभी जानते हैं और अभी हम चाहे तो अवलोकन करके यह समझ सकते हैं। और आप यह समझिए कि 3 से 4 वर्ष की आयु का बच्चा जो है वह भाषा की जटिल संरचनाओं को न केवल समझता है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उसका अनुप्रयोग भी करता है जी। तो ये बात हमें मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तब तक जब तक कि उस बालक में कोई दिमागी तौर पर कोई कमी ना हो, दिमागी तौर पर वह सामान्य हो। और यह सब सीखने के लिए पहली और आवश्यक शर्त जो है वह है सार्वभौमिक व्याकरण का होना जी। जैसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिसे आपने जो कहा कि मानसिक रूप से सक्षम हो, उसी में जोड़ना चाहता कि अधिगम अक्षमता से जुड़ा हुआ कोई बच्चा ना हो। जब भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि वह दिमागी तौर पर उस पर कोई कमी ना हो, तो उसका मेरा सीधा सा मतलब है कि वो उसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी लैंग्वेज को लेकर नहीं है। यदि है तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन में, उस पर्टिकुलर पक्ष में, उस विशेष पक्ष में, उस विशेष आयाम में वो हो सकता है कि कमजोर हो। जैसे हम लोग आजकल डिसलेक्सिया हो गया, अलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, अग्राफिया हो गया, पार्शियल इनेबिलिटी ऑफ रीडिंग समथिंग, तो ये सारी चीजें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। और अक्सर बच्चे शब्दों की जटिलता के कारण सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं जी। जब 3 या 4 या 5 सिलेबल का कोई वर्ड होता है तो बच्चों को उसको उच्चारण करने में मुश्किल आती है, लेकिन बच्चे उसका अर्थ बखूबी समझते हैं। वो उच्चारण हो सकता है कि किसी कारण से ना कर पाते हों, लेकिन उस शब्द के अर्थ की समझ जो है उनके अंदर बनी होती है। जैसे ही आप उस शब्द को कहते हैं, जैसे ही आपने कहा कि स्कूटर, तो बच्चा समझ जाता है कि बजाज स्कूटर जो घर में रखा हुआ है उसी की चर्चा हो रही है जो 10 वर्षों से ऐसे ही पड़ा है, जिसे कभी चलाया नहीं गया है। तो वो जैसे स्कूटर को, लेकिन करता क्या है बच्चा, जब आप उसको स्कूटर बोलते हैं तो हो सकता है बच्चा स्कूटर ना बोले, बच्चा केवल स्कूटर बोल के काम चला ले जी। या गर्म आप बोलते हैं तो हो सकता है बच्चा गर्म ना बोल पाए, गर्म बोले जी। जन्म बोलते हैं आप तो हो सकता है जन्म ना बोल पाए और जन्म को जन्म बोले, स्कूल को कूल भी बोल सकता है वो, या सकूल भी बोल सकता है। तो इस तरीके की हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन बच्चा यह जानता है कि स्कूल का मतलब वह है जहाँ मैं रोज जाता हूँ और जहाँ मैं खेलता हूँ, प्ले स्कूल में। वह यह जानता है कि स्कूटर चलने के काम में आता है भले ही 10 वर्षों से रखा हुआ है। वह यह जानता है कि गर्म किस चीज़ को बोलेंगे, गर्म किस चीज़ को बोलेंगे, भले वो गर्म ना बोल के उसको गर्म बोल रहा है जी। और
जो बातें मैंने अभी हालिया की, इनकी समस्त बातें भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्षों अथवा आयामों की तरफ ही संकेत करती नजर आती हैं। और जब हम देखते हैं इस चीज़ को, तो जो आपका मूल प्रश्न था कि भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आयाम क्या हैं, तो भाषा शिक्षण के तीन मनोवैज्ञानिक पक्ष अथवा आयाम हैं। पहला मातृभाषा का शिक्षण, दूसरा द्वितीय भाषा अथवा अन्य भाषा के रूप में शिक्षण, और तीसरा विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण। लेकिन हम जो मनोवैज्ञानिक आयाम हैं उनको तीन तरह से समझ सकते हैं, मातृभाषा के संदर्भ में, द्वितीय भाषा के संदर्भ में, और विदेशी भाषा के संदर्भ में। मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो मातृभाषा के शिक्षण के संदर्भ में उठता है। जब हम घर की भाषा या घर की भाषाओं या मातृभाषा या मातृभाषाओं की चर्चा करते हैं, तो इसके अंतर्गत घर की भाषा या बड़े कुनबे की भाषा, आसपास पड़ोस की भाषा आदि आ जाती है, जो उसके आसपास बोली जाती है, जिसे वो दिन रात सुनता है। इसे प्रथम भाषा भी कह सकते हैं। जैसे प्रथम भाषा भी कहते हैं। और बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण में इसको एक्वायर करता है। इसके लिए उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग इननेट कैपेसिटी का मतलब ये समझते हैं कि उसका ब्रेन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि वह चीज़ों को बड़ी आसानी से भाषा संदर्भ, यदि उसके आसपास परिवेश में वो भाषा मौजूद है, उसको सीख सकता है। और बच्चे में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। हम रोज़मर्रा के अनुभव से यह जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, जिसमें वह अपने आवश्यकता के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो प्रथम भाषा या मातृभाषा है उसके शिक्षण से संबंधित विशेष योजनाएं हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें दक्ष होता है। लेकिन हम शिक्षकों को चाहिए कि उस पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि जो परिवार की भाषा है, परिवेश की भाषा, उसमें शुद्धता और अशुद्धता का मिश्रण रहता है, और उस भाषा का भी हम बच्चों में थोड़ा परिष्करण करें। ये ज़रूरी है, और यह अध्यापक की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है उसकी, कि जब छोटा बच्चा उसके पास आता है और जब स्कूटर को कूटर बोलता है, तो वह ऐसा ना करे कि उसको कूटर ही बोलने दे। स्कूल को सकूल बोलता है तो ऐसा ना रखे कि सकूल ही बोलने दे। यह परिमार्जन आवश्यक है। हालांकि यह शब्द उसने अपने परिवेश की भाषा से सीखा है। संप्रेषण के लिए उचित होगा कि जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो दूसरा आदमी समझता है, उन शब्दों का प्रयोग बच्चा भी करे। और यह डॉक्टर साहब सर्वमान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषिक दक्षता विदेशी भाषा के अपेक्षा मातृभाषा में तो अधिक होती है, और यह पूरी दुनिया में स्वीकार है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसी कारण मातृभाषा के द्वारा किसी विषय को अधिक आसानी से समझा जा सकता है, और उसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से की जा सकती है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि इननेट कैपेसिटी होने की वजह से, जो कि चॉम्स्की जिसकी चर्चा करता है, इननेट कैपेसिटी होने की वजह से बच्चा जो है आसपास परिवेश की, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, उसको बहुत सहज, सरल और सुगम तरीके से सीख जाता है। और थोड़ा सा यदि अध्यापक उसका परिमार्जन करे तो वह उस पर बिल्कुल दक्ष हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कम से कम दो स्किल्स तो वो सीख ही जाता है। आप जानते हैं कि सुनने का स्किल जो है, जो चार लैंग्वेज स्किल है, और बोलने का स्किल, दो स्किल वो सीख जाता है, और इन दो स्किल्स में कोई सीखने जैसी बात भी नहीं है। अब बाकी के दो स्किल्स जो हैं, लिखना और पढ़ना, यह जरूर उसे सिखाने की जरूरत, विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है, विद्यालय और अध्यापक की जिम्मेदारी उसे सिखाए। लेकिन दो स्किल्स जो है बच्चा सीख के आता है। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय भाषा या अन्य भाषा के लिए शिक्षण पद्धति क्या है। तो भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य केवल भाषा ही सिखाना होना चाहिए, न कि भाषा के बारे में व्याकरणिक वक्तव्य देने की कला सिखाना। सामान्यतया हमारे कक्षों में हम लोग देखते हैं कि भाषा सिखाने से ज़्यादा जोर जो है वो भाषा के गूढ़ संरचनात्मक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को सिखाने पर होता है। मतलब भाषा सीखना चाहिए, ना कि भाषा के बारे में। भाषा के बारे में हेलिडे महोदय ने भी तीन पक्ष रखे हैं कि लर्निंग लैंग्वेज एक विषय के रूप में, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज जो भाषा विज्ञान के लोग करते हैं, भाषा के विषय में सीखते हैं, और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज और भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारा उद्देश्य
प्राथमिक स्तर पे होना चाहिए कि हम भाषा विषय के रूप में, हाँ भाषा विषय के रूप में सीखे, ना कि उसके व्याकरणिक संरचनाओं पे बंद है। इसलिए मौखिक वार्तालाप पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जो डे टू डे कम्युनिकेशन है। और द्वितीय भाषा शिक्षण की आदर्श स्थिति उस भाषा को उसके मूल भाषियों के परिवेश में उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करके उसी प्रकार सिखाना है जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा सीखता है। भाषा सीखने का, चूंकि इननेट कैपेसिटी जब हम स्वीकार कर रहे हैं लैंग्वेज सीखना, तो उसको नेचुरल तरीके से यदि सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे कोई सीख पाएगा। और ऐसी स्थिति हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संदर्भों में बहुत कम संभव हो पाती है, और इसीलिए अध्यापक को भाषा शिक्षण में शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों की मातृभाषा के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने पर बल देना चाहिए। और मातृभाषा को व्यक्ति समाज में रहकर तो सीख लेता है, किंतु अन्य भाषा सिखाते समय उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जब कोई अध्यापक नेचुरल तरीके से सिखाने के लिए द्वितीय भाषा को यदि प्रयास करता है तो ज़्यादा सहज तरीके से, ज़्यादा आसान तरीके से उसे सीख पाता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मातृभाषा एवं अन्य भाषा शिक्षण में कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं जिसके आधार पर दोनों के शिक्षण में अंतर करना पड़ता है। तो मातृभाषा शिक्षण एवं अन्य भाषा या द्वितीय भाषा शिक्षण में कई मूलभूत अंतर हैं, और इनमें सर्व प्रमुख यह है कि जब कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाता है तो अपनी मातृभाषा को ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण एवं शब्दावली को सीख चुका होता है और अपनी मातृभाषा की ध्वनियों का दैनिक जीवन की शब्दावली एवं उसके सरल वाक्य के सांचों से ठीक तरीके से अभ्यस्त हो चुका होता है मातृभाषा के संदर्भ में। और जब हम उससे उसको दूसरी भाषा सिखाते हैं, जब कोई अन्य भाषा सिखाते हैं, तो अन्य भाषा के शिक्षण के आरंभ में वह अन्य भाषा के वाक्यों के सांचों से बिल्कुल अपरिचित एवं अनभिज्ञ होता है जी। और इसी के साथ ही अन्य भाषा सीखते समय उसकी मातृभाषा की सीखी हुई भाषिक आदतें भी सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, और इसी कारण अन्य द्वितीय भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि उस भाषा के मनोविज्ञान को समझा जाए और उस भाषा के मनोविज्ञान को समझ के उस पर ठीक तरीके से काम किया जाए, जिससे अन्य भाषा को सिखाना ज़्यादा तरीके से सहज हो जाए। अब हम यह देखेंगे कि अन्य भाषा का शिक्षण कराने वाला जो शिक्षक है उसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए, उसके अंदर कौन सा गुण, कौन से हुनर होने चाहिए जिससे कि उसका शिक्षण जो है वो हम प्रभावी तरीके से करा पाए। ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण है। तो हम यह देखते हैं कि अन्य भाषा, द्वितीय भाषा तथा विदेशी भाषा भी इसमें, अन्य भाषा जब भी मैं कह रहा हूँ तो द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा को भी इसमें समाहित किया जाए, तो हम यह बात समझते हैं कि उनको लक्ष्य भाषा के स्वर विज्ञान संबंधी तथा व्यवस्था परक अभिलक्षणों, प्रयोगों, विशिष्ट शब्दावली तथा भाषिक संस्कारों को, जिसे लिंग्विस्टिक राइट्स अंग्रेजी में कहते हैं, का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। जो शिक्षक सिखा रहा है उसको भाषा, जो लक्ष्य भाषा है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, जिससे कि यदि विद्यार्थी मातृभाषा से संबंधित करके वह कोई प्रश्न पूछे तो अध्यापक उन विशिष्ट शब्दावलियों से, उन भाषिक संस्कारों से और उन अभिलक्षणों और प्रयोगों से ठीक तरीके से परिचित हो और उसको ठीक तरीके से इसको समझा पाए। हम यह बात ठीक तरीके से समझ रहे हैं कि प्रशिक्षणार्थियों की भाषाओं की संरचना का ज्ञान ठीक तरीके से होना चाहिए, और शिक्षार्थी शिक्षार्थियों की मातृभाषा या मातृभाषाओं के परस्पर संवादी विश्लेषण, जिसे हम लोग इंटरैक्टिव एनालिसिस कहते हैं, उससे ठीक तरीके से परिचित होना चाहिए। जो भाषा के इंटरैक्शन में जो छोटी छोटी बातें हैं उससे वह ठीक तरीके से परिचित होना चाहिए। और छात्रों को भाषा सीखने में जिन समस्याओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें उनको पहचानने की क्षमता तथा उसके समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह यह पहचान सके कि क्या क्या तकलीफ, क्या क्या कठिनाई द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के शिक्षण में एक बच्चा उसकी कक्षा में महसूस कर रहा है। जब तक वह ये उसका एनलिस्टमेंट प्रॉपरली नहीं करेगा, जब तक उसको ठीक तरीके से नहीं समझेगा, बच्चों के जो
कठिनाई के क्षेत्र हैं, डिफिकल्टी एरियाज, उनको आइडेंटिफाई करना ये प्राथमिक शर्त कैसे? प्राथमिक शर्त है यह उच्चारण के स्तर पे, यह स्ट्रक्चर के स्तर पे, यह कॉम्प्रिहेंशन के स्तर पे, यह रीडिंग के स्तर पे, ये चारों लैंग्वेज स्किल्स के स्तर पर भी हो सकती हैं। अब यह जिम्मेदारी एक अध्यापक की है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक जिम्मेदारी उस अध्यापक की है कि जो भी तकलीफ उस बच्चे को आ रही है उसकी कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में उसको आइडेंटिफाई करे, क्योंकि जब तक वह आइडेंटिफाई नहीं करेगा उसका सलूशन तो कतई संभव ही नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसके समाधान के लिए वह जो भी प्रयास कर सकता है अपनी योग्यता के हिसाब से उसे यह करना चाहिए। अगली जो बात है वह है कि अध्यापन सामग्री निर्माण तथा उसका प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षकों को सजग रहना चाहिए ताकि छात्रों में लक्ष्य भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने की आदतों का सहज रूप से निर्माण हो सके जी। साथ में कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्मित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बालकों में भाषिक सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न हो। सामान्यतया द्वितीय भाषा शिक्षण करते वक्त अध्यापक जो है वो रुचि उत्पन्न करने का काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के जो संप्रत्यय है उस पर हमें हमारे शिक्षकों को ध्यान देना होगा कि द्वितीय भाषा के शिक्षण में उसमें कुछ निर्माण करें या उसका प्रयोग उपलब्धता सुनिश्चित करें। ऑडियो विजुअल एड्स या जो भी शिक्षक सहायक सामग्री जो इस्तेमाल होती है उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो होता है कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। जी जी। और दूसरा पक्ष जो होता है वह विद्यार्थियों को एक बार रुचि उत्पन्न तो करता ही है। जब भी आप कोई टीचिंग एड लेके कक्षा में जाते हैं तो आप यह देखते होंगे कि विद्यार्थी वो टीचिंग एड पे ध्यान देने लगते हैं। जी जी। वो क्या लाए हैं आज सर, क्या है वो, उसको देखा जाए तो उनकी सहज रुचि उत्पन्न हो जाती है उस टीचिंग एड्स के प्रति। तो शिक्षक का आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। उसमें हमारी शिक्षण में भी सहायता मिलती है और बच्चों के समझ में भी, लेकिन हमारे जो शिक्षार्थी होते हैं या बीएड या डीएलएड प्रोग्राम में होते हैं उसे पनिशमेंट मान लेते हैं। हाँ, ये इसको एज ए पनिशमेंट नहीं देखना चाहिए। आप यह बात हम अध्यापकों को ठीक तरीके से जाननी चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर के अध्यापक हों या विश्वविद्यालय के अध्यापक हों, उनके यह बात ठीक तरीके से समझनी चाहिए कि आधा काम अध्यापक का तब हो जाता है जबकि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो जाए, बच्चे तैयार हो जाए, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहते हैं। तो यदि आपने उनको सीखने के लिए रेडी कर दिया तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया, बाकी आधा काम आप करने के लिए कक्षा में है। तो इसको पनिशमेंट नहीं समझना चाहिए, ये एक इस तरीके की चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, जब रुचि उत्पन्न कर पाते हैं, तो वे निष्ठा के साथ, विद्यार्थी निष्ठा के साथ भाषा के सीखने का अभ्यास करना शुरू करते हैं। और इसके लिए आप विभिन्न एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संभाषण करा सकते हैं उस भाषा में, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन कहते हैं, शाब्दिक अभिनय, पोशाक वगैरह की जरूरत नहीं होती है उसमें, आप पात्र निर्माण कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें रावण की तरह बोलना है, तुम्हें शेक्सपियर की के नाटक के जो विभिन्न किरदार हैं उनकी तरह बोलना है, या आप उसको कोई छोटे से जो सेवन एजेस है या तमाम जो छोटे छोटे पोएम्स हैं उसके कैरेक्टर्स में आप उसको ढाल के शाब्दिक अभिनय हेतु भी प्रेरित कर सकते हैं, और अलग अलग रसों के अनुरूप कविता पाठ। अभिनय तो छोटी कक्षाओं में तो है ही रुचिकर, लेकिन बड़ी कक्षाओं में भी बहुत अच्छा, बहुत, इसीलिए मैंने यहाँ अभिनय की चर्चा नहीं की, मैंने यहाँ शाब्दिक अभिनय की चर्चा जी, की, क्योंकि अभिनय में क्या होता है कि आपको बहुत से सारे संसाधनों को जुटाना पड़ता है। जब आप शाब्दिक अभिनय ही कक्षा कक्षा में संभव है, संभव है, तो शाब्दिक अभिनय जब आप करते हैं तो आप पात्र दे देते हैं कि आप इस पात्र के हिसाब से आपको बोलना है, इसी के हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है, इसी के हिसाब से आपके बोलने का टोन होना चाहिए, तो भाषा जो है उसकी प्रभावित होती है। अब भाषा को लेकर हमें यह भी जानना चाहिए कि ब्रेन से इसका क्या संबंध है, भाषा जो है वह मानव मस्तिष्क से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि भाषा का मानव मस्तिष्क से कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई, और जो भी संबंध है वह बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते भी हैं कि सिर के किसी खास हिस्से में जब चोट लग जाती है तो सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन भाषा कई बार विचलित हो जाती है जी। और कभी समझ में आना बंद हो जाता है,
तो कभी बोलना अस्थिर हो जाता है, कभी शब्द निर्माण प्रक्रिया में परेशानी हो जाती है, तो कभी वाक्य बनाने में उलझन होती है, वाक्य ठीक तरीके से नहीं बन पाता है। तो इस बात से यह बात तो समय समझ में आ जाती है कि भाषा का मानव मस्तिष्क से कोई ना कोई संबंध तो है, और मानव मस्तिष्क के हिस्से में भी भाषाई क्षमता में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और मनुष्य के मस्तिष्क का बायां, जैसे वाम भाग, लेफ्ट साइड कहते हैं भाग, भाषा से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में यह दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति है कि हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक होने के कारण क्या हमारा काम है, हमारा काम है बिहेवियर को मॉडिफाई करना, और बिहेवियर मॉडिफाई कैसे होगा, जब आप ब्रेन को समझते हैं, जब आप मस्तिष्क को, क्योंकि टीचर इज अ ब्रेन चेंजर, वो दिमाग को परिवर्तित करता है, और हमारे यहाँ यह स्थिति है कि अध्यापक जो है वो दिमाग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि उसे एक न्यूरो साइंटिस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूँ कि ब्रेन का शिक्षा में क्या उपयोग किया जा सकता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर की क्या जानकारी, सामान्य जानकारी तो एक अध्यापक को होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन सिस्टम है पूरा ब्रेन पर निर्भर करता है, हमारी स्मरण शक्ति का ही मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन होता है, और उस पर ध्यान देना चाहिए। न्यूरो साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन उसके महत्व को समझना है, उसके महत्व को समझना है। ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी तो सामान्य जानकारी हम अध्यापकों को होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत उस पर बातचीत, सामान्य बातचीत करेंगे बहुत अंदर न जाते हुए। तो ब्रेन का जो बायां हिस्सा होता है, जिसे लेफ्ट भाग कहते हैं, वह भाषा से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और दायां हिस्सा जो है जगह संबंधी समझ, जिसे स्पेशियल ओरिएंटेशन कहते हैं, स्पेस से संबंधित ओरिएंटेशन कहते हैं, और उसका प्रोपोर्शन कहते हैं, उससे संबंधित दक्षताओं को नियंत्रित करता है। बायां हिस्सा जो है वह भाषा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और बायां हिस्से का एक भाग है जिसे हम ब्रोक्स कहते हैं, BROCKS से इसे हम स्पेल आउट कर सकते हैं, और भाषा को यह हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों को जानना चाहिए, और यह भाग ध्वनि व आवाज को ठीक से निकाल पाने व व्याकरण संबंधित क्षमताओं से जुड़ा हुआ होता है। ब्रोक्स जो बायां हिस्से में ब्रेन के स्थित है, वह व्याकरण संबंधी और ध्वनि व आवाज को ठीक तरीके से निकाल पाने का जो फंक्शन है, का जो प्रकार्य है, उसको संबाधित करता है। जबकि भाषा से जुड़ा दूसरा हिस्सा है वेरनिक, जिसे वेरनिक एरिया हम लोग कहते हैं, यह हिस्सा शब्दों व वाक्यों के अर्थ को समझने से जुड़ा हुआ है। वह तो आवाज, ब्रोक्स आवाज निकालने से और वेरनिक अर्थ को समझने से, शब्दों व वाक्यों को कॉम्प्रिहेंड करने से जुड़ा हुआ है। इसलिए मस्तिष्क का यह भाग या यह हिस्सा सुनने व पढ़ने में मदद करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भाषा जो है वह एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोसेस तो है ही, सोशल प्रोसेस तो हम सब लोग जानते ही हैं, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और उसके लैंग्वेज के टीचिंग में भी, भाषा के शिक्षण में भी मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, धन्यवाद मिश्रा जी, आपने इतने गूढ़ विषय पे और इतने जटिल विषय पे इतने सहज तरीके से जानकारी दी। आपने ब्रेन की भी चर्चा की, जो कि न्यूरोलॉजी के विषय क्षेत्र का एक टॉपिक कह सकते हैं, वेरनिक एरिया और ब्रोक्स की बात की, ये हमारे शिक्षकों के लिए नए हो सकते हैं। हाँ, ये देखिए, असल में जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उसमें हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन की चर्चा करते हैं, मैं पहले भी उस बात का संदर्भ ले रहा था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ब्रेन से अध्यापक कक्षा में किससे डील करता है, ब्रेन से डील करता है, और जब तक वह दिमाग को ठीक तरीके से समझता नहीं है, कम से कम उसके पास बेसिक जानकारी जब तक नहीं है, तब तक वह बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा, ऐसा संदेह है। सामान्यतया होता क्या है कक्षा में कि विद्यार्थी यह विद्यार्थी जब लैंग्वेज में ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो अध्यापक मानता है कि यह बदमाशी कर रहा है, यह नहीं सीख रहा है। अध्यापक यह नहीं समझता
कि हो सकता है कि इसका ब्रेन जो है उस तरीके से इक्विप्ड ना हो, उसका ब्रेन जो है इस तरीके से हार्डवायर्ड ना हो, उसके ब्रॉक्स एरिया में कोई समस्या होगी तो हो सकता है कि वह ध्वनि निकालने में या आवाज को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्रेस करने में अक्षम ना हो। सामान्यतः अध्यापक इस चीज को नहीं समझते हैं। और एक शिक्षण की एक परिभाषा भी है, टीचिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। हाँ, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को भी समझना है, ब्रेन वाशिंग को भी समझना, ब्रेन वॉशिंग को भी समझना है। ये दोनों अलग है। और जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ब्रेन वॉशिंग से, वो भी शिक्षक है, वो भी शिक्षक है, वो भी पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को ब्रेन वॉशिंग नहीं करनी है, जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम इसकी मदद ले सकते हैं। जो क्षमता है बच्चों की, जो उनकी तर्क की आवश्यकता है उसको हम संतुष्ट करें, ना कि हम अपना तर्क उन पे थोप दें। जी जी जी। तो इसको समझना होगा हमारे शिक्षकों को। तो शिक्षक को यह समझना होगा कि जब भी उसका ब्रोक्स एरिया ठीक से काम नहीं करेगा तब वह ध्वनि व आवाजों को ठीक तरीके से निकाल नहीं पाएगा, इसमें उसको समस्या होगी। तो इसके लिए उसको छड़ी उठा के पीटना नहीं, आजकल तो ऐसा वो इलीगल है, बच्चों को बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो शिक्षक समझते हैं कि बदमाश है। और सामान्य बातचीत ये है कि ब्रोक्स एरिया ही, मैंने उस तरफ इशारा भी किया कि हाँ, व्याकरणिक जो संबंधित क्षमताएं हैं, भाषा समझना और भाषा के व्याकरण को समझना, ये दो चीजें हैं। तो ब्रोक्स एरिया जो है ना वो भाषा के व्याकरण से भी संबंधित है। जी। वो जब उसका ब्रोक्स एरिया ठीक होगा, ब्रोक्स एरिया प्रॉपर सिचुएशन में होगा, तभी जाके वह व्याकरण के और ग्रामर की बारीकियों को समझेगा। और दूसरी जो चर्चा मैंने की, जैसे कि मैं वैरनिक एरिया कहते हैं न्यूरोसाइंस में इसे, और ब्रेन के साइंस में वैरनिक एरिया कहते हैं, यह हिस्सा जो है शब्दों वाक्यों के अर्थ को समझने से जुड़ा है, कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा है। यदि किसी बच्चे का वैरनिक एरिया यदि कमजोर है और वैरनिक एरिया यदि ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट में वो एरिया प्रभावित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह हो सकता है कि शब्दों को निकाल पा रहा हो, शब्दों को बोल पा रहा हो, लेकिन यह संभव है कि शब्दों व वाक्यों के अर्थों को समझने में उसे दिक्कत हो, उसे सुनने व पढ़ने में हो सकता है कि दिक्कत हो। वह कोई बात सुन रहा हो लेकिन उसका अर्थ नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हो, वह कोई चीज पढ़ रहा हो और पढ़ने के दौरान वह उसका अर्थ ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा। तो ये हमारे अध्यापकों को या हमारे शिक्षकों को समझना चाहिए कि ब्रोक्स और वैरनिक एरिया की वजह से ऐसा होता है। कई बार हो सकता है बच्चे शैतानी भी करते हैं, लेकिन हमेशा शैतानी नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जो सरकारी विद्यालय है या निजी विद्यालय तो अपना स्वयं व्यवस्था करते हैं, सरकारी विद्यालयों को निर्देश हैं कि वो निजी जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं उनमें बच्चों का मेडिकल चेकअप वगैरह की सुविधाएं होती हैं, वार्षिक डॉक्टर आते भी हैं या उनको बुलाया भी जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है, ना कि उसे हम लोग दंडित करें। तो ये पूरा भाषा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है और भाषा शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है जिसे आपके सामने रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से इतने जटिल विषय को रखा है सहज और सरल शब्दों में। मुझे भी लाभ मिला है, मैं समझता हूँ शिक्षार्थियों को भी लाभ मिला होगा, और इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मिश्रा। नमस्कार।